अपना पैसा। तो चलिए तो कार्यक्रम ऐसा जो आपको एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़ता, जादू टोने टोटको से नहीं जोड़ता, सिर्फ इस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि आप लोग मिनरल से जुड़े, नेचुरल चीजों से जुड़े। तो फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को अब यहाँ पे विराम देने का। गुरु जी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों। काया का आया फास्ट ई स्कूटर, इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ संकेता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सरायपाली में विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा, कुछ कांग्रेसियों में दिखी नाराजगी। बेमेतरा में रीपा संचालन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कलेक्टर पदम सिंह अलमा ने की अध्यक्षता। रायगढ़ में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन, जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ, मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। बकावंड में 40 किलोमीटर दूर पढ़ने जाने पर मजबूर छात्र, 12 साल के बाद भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई ठप, विद्यार्थियों ने विधायक से लगाई गुहार। और उज्जैन महाकाल मंदिर में बदलेगी व्यवस्था, 2 माह से अधिक समय तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा गर्भगृह। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायपाली में। है तैयार हम स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी का विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक किस्मतलाल नंद के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी प्रशिक्षण शिविर से खुद को अलग रखे हुए थे, हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने प्रशिक्षण में जाकर अपनी उपस्थिति देने के तुरंत बाद ही वह वापस लौट गए। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि वे और उनके लोग पार्टी के हर काम में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन स्थानीय विधायक के कार्यक्रम में सहयोग नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और सभी मेल मेल कार्यकर्ताओं को आज मजबूती दिलाने के लिए कि हम 2023 में कैसे हमारी सरकार कैसे करें, उसकी मजबूती के लिए आज प्रशिक्षण प्रदान। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें कुछ लोग नाराज भी थे, कुछ लोग मना भी हुए आए थे। एक तो जगह ऐसा था कि यहाँ पे जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा भीड़ लग गई और इसके वजह से कुछ लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं पा रही, वो ऐसा नहीं है। बेमेतरा में 3 जुलाई को कलेक्टर पदम सिंह एलमा की अध्यक्षता में रीपा के सफल संचालन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी सहित जनपद पंचायत के सीईओ, जिला रीपा नोडल अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान संबंधित रीपा में चल रहे गतिविधि के साथ साथ भविष्य में किए जाने वाले कार्यों, योजनाओं, मार्केट लिंकेज और अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत जानकारी और चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यशाला में कलेक्टर ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क में संचालित आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बदलने वाली है। उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार उत्पाद की बिक्री के लिए प्रतियोगी भावना के साथ कार्य करने पर जोर दिया। कोतरा रोड थाना अंतर्गत ग्राम कोतरा में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने फीता काटकर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा,
आईपीएस प्रशिक्षु उदित पुष्कर और एसडीओपी निकिता तिवारी, खरसिया एसडीओपी नमीश तिवारी और भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्रवासी पुलिस सहायता केंद्र खुलवाने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे। आज पुलिस सहायता केंद्र खुलने से गांववासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिनों से पहले जब हमारे शहीद नंद कुमार पटेल जी थे उस समय से यहाँ मांग हो रही थी, वो आज पुलिस विभाग की ओर से यहाँ सहायता कदम होते हैं, उसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यह क्षेत्र तो शांतिपूर्वक है, लेकिन यहाँ की आना जाना ट्रक की इतनी ज़्यादा आना जाना होती है जिसमें कई प्रकार की दुर्घटना होती है, उसके लिए भी ये सहायता केंद्र खुलने से एक सुविधा बनी रहेगी और जनता सुरक्षित रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ यह सहायता केंद्र खुलने के बाद यहाँ अपराध की बहुत कमी होगी और किसी प्रकार की शिकायत ना हो, यही कामना करते हैं और आशा करते हैं कि इसमें पुलिस विभाग ने जो इस कार्रवाई को किए हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। काफी शिकायत लेकर हमारे तालाब जमा कराते रहते हैं, तो वहाँ पे रास्ते में वो गंदा पानी दे देते हैं, तो उसमें कई लोग गिर गए, तो उनको मना करने पर भी वो लोग पानी बंद नहीं कर रहे, तो उसको यहाँ शिकायत की है कि उसको पानी थोड़ा सा बंद कर रहे हैं, रास्ता में पानी आ रहा है। हाँ ओला अभी सब दिन अभी तो दौरा में निकलेंगे तो करवाई है। आज जो लंबी मांग चली आ रही थी कुतरा थाना के अंतर्गत कोतरा क्षेत्र में शामिल रखे रहेंगे, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। निश्चित रूप से कोतरा और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लिए यह एक सहायता प्रदान करेगा और लोगों की समस्याओं को दूर करने में हम सफल होंगे। यहाँ की जनता की मांग को देखते हुए शासक की मंशा के अनुरूप ग्राम कोतरा में कोतरा थाना अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र की बहुत दिनों से मांग चल रही है, तो उसको आज वोट रूप दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस और जनता के बीच गाँव को लेकर के या यहाँ जो क्षेत्र को लेकर के वो इससे कम होगा, हरियाली अपनी हर किस्म की समस्या को लेकर के यहाँ पर आ सकेंगे और अपनी बात को बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर रख पाएंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ हमने आज यहाँ पर ओपन किया हुआ है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल जी थे, पूरा पुलिस महकमा था और यहाँ के आम ग्रामीण सरपंच सभी लोग उपस्थित थे। अब खबर बकावन से है, जहाँ 12 साल बाद भी छात्रों को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हालांकि विद्यार्थी कई बार क्षेत्रीय विधायक से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ और नहीं मिला है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। तकरीबन 10 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं हमें पीजी कक्षा के लिए, स्नातकोत्तर के लिए हमारे बकावंड से तकरीबन 25-30 किलोमीटर जगदलपुर जाना पड़ता है। सर यहाँ पे बकावंड से ही नहीं, तकरीबन बकावंड ब्लॉक के आसपास के सभी क्षेत्रों से, अंदरूनी इलाकों से, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र आदिवासी बच्चे सभी इस क्षेत्र के बच्चे आते हैं और जगदलपुर में बिल्कुल न्यूनतम सीट होती है। बाकी कक्षा जो विद्यार्थी हैं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बकावंड महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएं MSc MA ये सब ना होने की वजह से, कई आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई वहीं रोक देते हैं, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं होती है, माता पिता की जो सपने होते हैं वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इन सब समस्याओं की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सर आगे का तो, अगर आगे की पढ़ाई करना चाहूंगी तो मुझे जगदलपुर ही जाना पड़ेगा सर। अच्छा, जो कि हाँ यहाँ तो सर बहुत बार बस्तर विधायक लागेश्वर बघेल जी को 3-4 बार स्टूडेंट वो ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ MSc खुलवा दे करके, लेकिन उसका कोई फैसला नजर नहीं आ रहा है सर। नहीं तो आप लोग जब ज्ञापन सौंपते थे तो क्या बोलते थे लागेश्वर बघेल जी? तो अभी सर 2023 में सर एनुअल हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज बकावंड में, तब विधायक जी आए थे, तब उनको बोले थे कि यहाँ MSc चाहिए करके, तो बोले थे इसी सत्र से स्टार्ट हो जाएगा करके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा रोड स्थित साई मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि रविवार सुबह काकड़ आरती के बाद 7 बजे पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा साई मंदिर से अग्रसेन चौक, माई दत्तेश्वरी मंदिर होते हुए गोल बाजार से अग्रसेन चौक के रास्ते वापस साई मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। मैं आपको बता दें कि आज 12 बजे महाआरती के बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया गया उनके द्वारा। और आपको बता दें कि देर शाम सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। ये गोवर्धन मठ पुरी से संबंधित आदित्य वाहनी और आनंद वाहनी प्रकल्प के द्वारा आज गुरुवर शंकराचार्य भगवान का गुरु पूर्णिमा पर्व बहुत धूमधाम के साथ किया गया। इसमें शहरवासी के समेत सभी धर्म के लोग, खासकर सनातनी धर्म के लोग, गुरु पूर्णिमा का पर्व भव्य रूप से मनाए। हम यहाँ पर आदित्य वाहनी, आनंद वाहनी के संयुक्त पहल पर आज भगवान शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का गुरु पूजा किया गया। इसके पश्चात हवन पूजन के बाद अभी महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी भक्तगण प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। मैं पूरे संभाग के लोगों को और पूरे शहर के लोगों को, बस्तर वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। गुरु पूर्णिमा की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे संभाग मुख्यालय जगदलपुर में माँ दंतेश्वरी की पावन धरा में विभिन्न मंदिरों में आयोजन धार्मिक रूप से किया गया है, जिसमें हम अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं। यहाँ मंदिर की समिति द्वारा इनके अध्यक्ष हमारे भाई अनिल सामन जी के नेतृत्व में पूरी समिति के द्वारा और हमारी माताओं बहनों और सभी पदाधिकारियों के द्वारा भव्य रूप से सुबह से विधिवत पूजा अर्चना, भोग हवन इत्यादि करने के बाद आज महाभंडारा का आयोजन किया गया है। मैं सभी को हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब के लिए संकल्प लेने का दिवस है, जिस दिन हम अपने भगवान की आराधना के साथ साथ गुरु की भी आराधना करते हैं और गुरु की भक्ति में लीन होते हैं। आज हमारे जगदलपुर में विभिन्न रूप से साई मंदिर में, सेमरा के साई मंदिर में और विविध मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अब खबर बहर से है, जहां दूलापुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें कि इस गांव में अधिकतर हैंडपंप बंद पड़े हैं, इस कारण ग्रामवासी लंबी दूरी तय कर पानी लाने के लिए मजबूर हैं और बहुत से हैंडपंप पर मटमैला लाल पानी निकल रहा है, जो कि पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस बारे में कई बार ग्रामीणों ने पीएचई विभाग को भी सूचित किया, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जानकारी से अवगत कराने के बावजूद भी गांव में पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। सर ये है, यहाँ पे पूरा 6 हैंडपंप है, 6 हैंडपंप में 3 बंद पड़ चुके हैं और 3 हैंडपंप चालू है तो उसमें भी खराब पानी आ रहा है और बहुत से दूर से पानी ले जा रहे हैं हम लोग। बहुत समस्या यहाँ पे पानी का, सबसे ज्यादा समस्या है। प्रशासन तो भाई, तो दमो 2 बार तक गया है, उसको भी लेटर लिख के दिया, संजय विक्की को 2 बार तक के लेटर लिख के दिया हूँ प्रशासन को, कि ये जल्दी से जल्दी हमारा मांग हो जाए पूरा और पानी की समस्या जल्द ही अपने हो जाए करके, लेकिन कोई आज तक के प्रशासन अपना काम सुना नहीं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत दुल्हापुर के ग्राम राशि मेटा में, यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर हैंडपंप तो है लेकिन आधे ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर यहाँ के ग्रामवासी दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर जो हैंडपंप चालू है उसमें मैला पानी निकल रहा है, लाल पानी निकल रहा हुआ है। ये हैंडपंप कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी यहाँ के ग्रामवासी पीएचई विभाग को देने के बाद भी यहाँ पर हैंडपंप का सुधार नहीं किया जाता और यहाँ पर पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। यहाँ पर ये हैंडपंप कब से बंद है? 3 महीने से बंद है। इसकी जानकारी आप लोगों ने दिए? पानी कहाँ से लाना पड़ता है आपको? दूर से लाना पड़ता है, पानी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर से? यहाँ के ग्रामवासी प्रशासन से गुहार लगा रही है कि यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान अति शीघ्र किया जाए।
साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुसाम के साथ देवदत्त धानेसर बैहर। खबर छोटे डोंगल से है जहां नयापारा में अमदई माइंस में चलने वाले वाहनों में अचानक से आग लग गई जिसमें दो ट्रक और एक पिकअप वाहन जलकर खाक हो गए। आगजनी की घटना को देखकर आसपास के लोगों ने आग बुझाने का काम किया। समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। वहीं आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों के द्वारा घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि घटना के कारणों का अब तक भी पता नहीं चल पाया है। खबर छोरिया से है जहां नगर पंचायत छोरिया में 11 पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ लंबित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 महीनों के बाद आखिरकार अध्यक्षों के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मतदान पर पार्षदों ने जीत की मोहर लगा दी है। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ कह पाना संभव नहीं था। पार्षदों को साथ लेकर नहीं चलना, नगर का विकास नहीं होना, मूलभूत सुविधा में जल विद्युत सफाई व्यवस्था का नहीं होना, आज 1.5 साल कोरोना काल के बाद से नगर पंचायत में कहीं भी करारोपण में अपन वसूली बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, इसलिए 2 महीना 3 महीना 4 महीने में कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी परेशानी भी है, इसके कारण हम लोग किए हैं इसको। तो कांग्रेस को बोल रही है जिन लोगों ने बगावत किया उनके ऊपर खिलाफ करेंगे कार्रवाई, वो अलग बात है भैया, नगर हित के लिए अपन कहीं भी अपन किया, मैं अभी भी कांग्रेस साथ है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसकी दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भैया, खुशी तो बहुत है क्योंकि हम जो है करीब करीब 2.5 महीने से हम लोग जो है प्रयासरत थे इसके लिए, क्योंकि हमने आवेदन दिया, फिर कल कलेक्टर कार्यालय में जाकर के हमारा आवेदन रुका, उसके बाद फिर हम जब कोर्ट गए तो दूसरी सुनवाई जब होने वाली थी, कलेक्टर का बुलावा जब आया तब उन्होंने जो है सम्मेलन बुलाने के लिए जो है बैठक का उन्होंने ये किया आदेश निकाला, उसके बाद फिर आज जाकर के फाइनली आज 3 तारीख को और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। आप लोग तो 11 लोग थे उसमें जो है एक कैसे आपके मतलब अब एक हम जो है वो बोनस मांग कर मतलब मान करके ही चल रहे थे, हमको तो ये तो पता था कि 10 तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने लाया था, क्योंकि कांग्रेस के साफ तौर पर कहना भ्रष्टाचार मुद्दा थी नहीं यहाँ पर? बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आप लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के कई खबरें बनी हैं, आप लोग देखिए 2.5 साल 3.5 साल हो गए हैं कार्यकाल को, 3.5 साल में एक अच्छा कार्य आप मेरे को मीडिया के माध्यम से इनका बता दीजिए। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही अहम था जिसके नाम से बिल्कुल 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 सारे के सारे पार्षद जो है वो नाराज चल रहे थे अध्यक्ष से। छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव में आज सम्मेलन की कार्रवाई की गई है यहाँ पे, और इस सम्मेलन में कुल 15 पार्षद यहाँ पे थे, सभी के 15 के 15 पार्षद उपस्थित हुए थे और उन्होंने 15 पार्षदों ने उपस्थित होकर के अपने मतदान का प्रयोग किया, उसमें से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 5 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया गया, और नगर पालिका अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत प्रावधान के दोनों शर्तों को पूरा करने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर पंचायत में हमारी कांग्रेस की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था जिस पे आज मतदान हुआ। हमारे कांग्रेस के 7 पार्षद थे, अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हमारे 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है विरोधियों के साथ में मिलकर, उस वजह से आज नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित। जो 2 लोग अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में मतदान करे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे कौन से 2 पार्षद हैं जो उसका? आज से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है और उसके साथ ही महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। आपको बता दें कि 2 माह से अधिक समय तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा, वहीं शीघ्र दर्शन सुविधा चालू रहेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार मंदिर की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते आम श्रद्धालुओं को अब त्रिवेणी संग्रहालय और बड़े गणेश मंदिर के सामने से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, जहां से श्रद्धालु मानसरोवर हॉल और टनल से होते हुए काटी के मंडप से दर्शन करते हुए बाहर की ओर निकलेंगे। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। चूंकि एक्सपेक्टेड था कि श्रावण मास में और इस बार चूंकि अधिक मास भी है और
बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना रहेगी। इसी तारतम्य में लगभग 2-3 वीक पहले ही जिलाधीश महोदय के द्वारा सभी विभागों की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें ये प्लान किया गया था किस प्रकार से दर्शन व्यवस्था की जाएगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात, जो सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह सुबह रहती है, उसको उन श्रद्धालुओं को भस्म आरती के दर्शन हो पाए, इसलिए चलित भस्म आरती हमारे द्वारा 3 बजे के इमीडिएटली बाद जैसे पट खुलते हैं 10 मिनट में लोग बैठ जाएंगे, फिर चलित भस्म आरती अलाउ की जाएगी और कोशिश की जाएगी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सभी को भस्म आरती में चलित भस्म आरती के माध्यम से दर्शन कराए जाए। दूसरा, जो हमारी एंट्री व्यवस्था रहेगी वो सभी की मानसरोवर से रहेगी, लेकिन मानसरोवर तक पहुंचने के लिए या तो आप हरसिद्धि होते हुए बड़ा गणेश से जो गेट नंबर 10 है उससे मानसरोवर में प्रवेश करेंगे। यदि आप महाकाल महालोक की तरफ से आ रहे हैं तो वहां पर एक हमारे द्वारा शेड और लाइन की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ सर्व विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर रायगढ़ जिला इकाई के भी संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में संविदा कर्मियों की संख्या करीब 2500 है और पूरे प्रदेश में शासन के विभिन्न विभागों में करीब 45,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं कई विभाग तो संविदा कर्मियों के बल पर ही चल रहे हैं। बता दें कि अधिकतर विभागों के कई सालों से ये संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। सरकार का शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जिसमें संविदा कर्मी ना हो। तो आपको बता दें कि संविदा कर्मियों के द्वारा जो है लगातार हड़ताल की जा रही है, जिसमें उनके नियमितीकरण की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। वहीं आपको बता दें कि संविदा कर्मियों की संख्या जो है लगभग क्षेत्र में 2500 है। वहीं विभिन्न विभागों की बात की जाए तो तकरीबन 45,000 संविदा कर्मी जो है कार्यरत है और शायद ही ऐसा भारत में कोई विभाग होगा जहां पर संविदा कर्मी जो है वो काम ना कर रहे हो। संविदा कर्मियों की एक ही मांग है कि उनके नियमितीकरण की जाए, क्योंकि कई सालों से वो काम कर रहे हैं, विभाग में काम कर रहे हैं, कई अलग अलग कंपनियों में वो लगे हुए हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि इतने सालों के बाद काम करने के बाद भी आज तक उन्हें नियमितीकरण जो है उनका नहीं किया गया है, और जिसको लेकर उन्होंने खासा नाराजगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाएं भी जो है इस बात को लेकर कड़ा विरोध कर रही हैं। उनमें भी रोष प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं भी जो है वो नियमितीकरण की मांग कर रही हैं, क्योंकि पिछले कई समय से वो इन कंपनियों में काम कर रही हैं। 2018 से हम लोग अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 2018 में जब बीजेपी शासन थी तो हमने रायपुर में धरना प्रदर्शन किया था, तो हमारे मंच पर आके कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आप हमको समर्थन दीजिए, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिवस के भीतर आपको नियमित कर देंगे करके। हमने बहुत प्रयास किया अपने पूरे साथियों के साथ, अपने परिवार रिश्तेदार मित्रों के साथ, उनको जिताने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा, और उसके बाद इन्होंने भारी बहुमत से सरकार बना लिया। आज लगभग 5 साल पूरे होने को है, लेकिन हमारी मांग पूरा नहीं किया है, इसलिए मजबूरी में हम लोग को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा है। मांग क्या है? मांग हमारा एक सूत्री मांग है, नियमितीकरण। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और उम्मीद है पूरी होगी। नहीं होगी तो जैसे हमने पूरा सहयोग किया था 2018 चुनाव में, तो इस बार हमसे वो सहयोग की उम्मीद ना रखें। मानसून को ब्रेक हुए एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। रायगढ़ नगर के अधिकतर वार्डों में पीने के पानी की उपलब्धता की स्थिति काफी दयनीय है। आपको बता दें कि कई वार्ड के लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर निगम के वार्डों से आम जनता अपने पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों के साथ भारी संख्या में निगम परिसर में आए और निगम के दफ्तर में ताला जड़ दिया। पानी के लिए आदमी कितना जितना कैदी मुरा के आदमी है ना, सब हमको भीड़ में आता है कि आंटी पानी चालू करवाओ ना, पानी चालू करो। तो हम बाबू के फोन करते हैं, जब सवेरे 8 बजे के रात नहीं चालू हुआ पानी, तो सवेरे सबके घर में पानी नहीं हो, कोई के बाथरूम ला नहीं पानी है। हम एक एक बाल्टी पानी दिए सबके पीने के लिए पानी दिए, तब जाके हम फिर बाबू के फोन किए हैं कि बाबू नगर निगम जाके अथी भेजो, टैंकर भेजो। तभी दू मरते आया तो यो टैंकर भेजने लगा, यहाँ से टैंकर नहीं गया। अब पानी आके बाबू चालू किया है, अब फिर बंद हो गया, बंद कर दिया पानी, बंद कर दिया। हर जगह के बोर उखाड़ लिया, बोर बंद कर दिया, तो हम लोग कैसे जियेंगे? इतना गंदा पानी है कि पीने से तित्ता लगता है, तो बाद में कहेगा बीमार पड़ेगा, तो कहेगा कि कोरोना उठ गया था, फलाना उठ गया था, बीमारी हो गया, तो कैसे आदमी पानी पिएगा? जब से ये अमृत मिशन चालू हुआ है, जब से आज 5 महीना हो चुका है,
पानी आधा घंटा बीच में आता है और हमारे द्वारा कई बार निगम इससे पहले जो कमिश्नर थे अभित मिश्रा साहब उनको भी हमारे द्वारा कई बार बोला गया पूरे पार्षद इकट्ठा उनको बोले कि पानी नहीं आ रहा है पानी की बहुत समस्या है सिर्फ हम लोगों को निगम सिर्फ आश्वासन मिला सिर्फ आश्वासन आज देख लेंगे कल देख लेंगे पानी का समय बढ़ा देंगे आज 5 महीने हो गया सर पानी नहीं बढ़ा है और बोर को भी निकाल लिया गया है और हम सोचे कि चलो गर्मी की समस्या पानी की दिक्कत जा रहा होगा लेकिन पानी की समस्या बरसात होने के बावजूद भी पानी की समस्या हो रही है और आज मेरे द्वारा कल भी निगम में पानी नहीं खुला था 2 दिन से कंटिन्यू पानी नहीं खुल रहा है और सुबह मेरे द्वारा निगम में फोन लगाया गया जल विभाग के अधिकारी को चाहे वो फिल्टर प्लांट में जो चालू करता है उसको फोन लगाया रिसीवर साहब को फोन लगाया लेकिन फोन को उठा काट दिया गया मोबाइल को बंद कर दिया गया और हमारे इतना परेशान हो गया और हम लोगों के द्वारा जब तक यहाँ पर पानी का निराकरण नहीं होगा हम लोग यहाँ निगम का ताला नहीं खोलेंगे चाहे इसके लिए हमें खुद ही आंदोलन करना पड़ जाए। अरे यहाँ कम से कम 1 महीना हो गया पानी की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है 10 मिनट या 15 मिनट ही नल आ रहा है कभी कभी शाम को आते ही नहीं है बच्चों के कपड़े नहीं धुल रहे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं अगर आज बच्चे हमारे आते हैं तो हमको यहीं लाके नहलाना पड़ेगा यहीं कपड़े धो के जाना पड़ेगा घर में पानी की बिल्कुल स्थिति नहीं कितने दिन तक हम मांग मांग के काम चलाएं बताइए आप लोग अगर नहीं हो रहा है तो पुराने बोर में मोटर डाल के हमको पानी कनेक्शन दीजिए पानी तो आना चाहिए हमारे घर में कम से कम 1 घंटा सुबह आना चाहिए 1 घंटा शाम को आना चाहिए हमारे घर इतनी दयनीय स्थिति है कि हमको मांग के पीना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इतनी अच्छी योजना अमृत मिशन 24 घंटा लोगों को पानी देने की योजना जो है बनाई गई थी आज शहर सरकार और राज्य सरकार के द्वारा उसको इतना गंदा कर दिया गया कि गंदा नाली का पानी पीने के लिए रायगढ़ मजबूर हो गया गंदा नाली का पानी घरों में आता है और गंदा नाली का पानी पी रहे हैं हम लोग 5 महीने से घरों में पानी 15 मिनट 20 मिनट पानी जाता है सिर्फ 15 मिनट बहुत ज्यादा हो गया उससे ज्यादा पानी नहीं आता हमारे घरों में इससे कई बार अवगत करवा गया धरना प्रदर्शन किया गया और मौखिक भी दिया गया मौखिक किया गया लिखित में भी दिया गया कोई उनसे मतलब नहीं है। आप रायगढ़ शहर के किसी भी कोने पे चले जाइए आपको हर जगह सिर्फ पानी की समस्या मिलेगी इस भरी बरसात में गर्मी से आप लोग भी वाकिफ है लोगों के घर में शौच के लिए पानी उपलब्ध नहीं है आप मतलब सोच सकते हो कि आदमी सुबह उठते साथ में सबसे पहले नित्य क्रिया करता है उसके लिए भी शहर में पानी उपलब्ध नहीं है हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि लोगों के लिए पानी में चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है आप शहर के किसी कोने में आप लोग शहर के चौथे स्तंभ में आप लोग कहीं भी पता करिए हम लोग पिछले 1 से 1.5 महीने से लिए सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि पानी आज आ जाएगा कल मिल जाएगा जैसे किसी स्वास्थ्य विभाग का बुलेटिन जारी होता है वैसे नगर निगम का जल विभाग बुलेटिन जारी करता है कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार। नेक इरादों के साथ वादा निभा रही है हेमंत सरकार चुनौतियों को दूर कर हेमंत सरकार खोल रही है नियुक्तियों के द्वार उसी कार्य योजना